नमस्कार बंधुरा, सरकारी चाकरी खबर यूट्यूब चैनल तुम्हारे प्रत्येक के जाना स्वागत। तो पश्चिमबंगे चाकरी प्रार्थी रही है एक विशाल बड़ खुशी खबर। तो वेस्ट बेंगल म्यूनिसिपल सर्विस कमिशन पक्ष के राज्य ग्रुप डी पदे कर्मी नियोगे एक ऑफिशियल विज्ञप्ति प्रकाशित होने बला हो पश्चिमबंगे समस्त जिला क्योंकि ऐले और मे उभय प्रार्थी आवेदन करते पर। तो ये शिक्षागत योग्यता माध्यमिक शुरू कर अप टू विभिन्न शिक्षागत योग्यत नियोग। तो वेतन क्या आछे, बयस सीमा क्या आछे, किभावे आवेदन करबेन एबं आवेदनेर लास्ट डेट क्या आछे, समस्त किछु आजकेर भिडियोते आपनादेरके स्टेप बाय स्टेप जानिए देव। तो भिडियोटि स्किप ना करे प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते भूलबेन ना एबं चैनले नतून होये थाकले अवश्य चैनलटिके सबसक्राइब करते भूलबेन ना। एछाड़ा आपनारा जे डिस्ट्रिक्ट थेके भिडियोटि देखछेन अवश्यई किन्तु कमेंट बक्से कमेंट करे जानाबेन आपनादेर एलाकार बा आपनादेर डिस्ट्रिक्टेर जदि कोनो भ्याकेंसि बेरोय अवश्यई किन्तु एई चैनले आपनारा आपडेट पेये जाबेन। तो अपना अनस्क्रिने देखते यही हर ऑफिशियल वेबसाइट हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन एर लिंक दिए रेखे अपना सेफिशियल वेबसाइटे चले आसते पारबें। ऑफिशियल वेबसाइटे आसार पर एक नीचे दिखे स्क्रॉल डाउन करबें। स्क्रॉल डाउन करारे ये देखें व्यू मोर ऑप्शन आछे। व्यू मोर ऑप्शने अपन के क्लिक करते हैं। तो क्लिक करार संगे संगे अपन सामने एक नतून पेज ओपन है। ओपन हार पर एखे प्रथम ही नोटिस प्रकाशित होने देखो एडवर्टाइजमेंट नम्बर दिए 12/2022। तो ये डाउनलोड ऑप्शन आखान अपना नोटिस डाउनलोड कर। तो चलो बंधुरा नोटिस डाउनलोड कर विस्तारित जेने जा। तो यही हे ऑफिशियल नोटिस वेस्ट बेंगल म्यूनिसिपल सर्विस कमिशन पक्ष के नोटिस प्रकाशित होना ऑन स्क्रीन एडवर्टाइज नम्बर देखते। तो यह ओवरसियर पदे नियोग जानने ग्रुप फोर अर्थात ग्रुप डी पदे एखने नियोग। तो यह आवेदन शुरू होनतीस 12/2022 तारीख के शुरू हो। तो अपना ऑन स्क्रीन एखे पोस्टर नाम देखते सब ऑब्जर्वर पद जानने टोटाल शून्य पद बोले दिए 75। तो ये जेनारेल कैटागर 35 शून्य पद रही है। एचड़ा एस सी कैटागर 17 शून्य पद रही है। एस टी कैटागर 4 ओबीसी ए कैटागर 7 और ओबीसी बी कैटागर 5 शून्य पद रही है। तो ये देखो अपन के स्केल अफ पे अर्थात अपन के वेतन एखे कत टाक दे पे लेवल 4 अनुजाई एखे अपन के वेतन देा अर्थात अपन 9000 टाका शुरू कर अप टू 15000 टाका पर्यंत किन्तु वेतन देा। तो ये देखो दिए क्वालिफिकेशन एवं एज। तो ये अपना माध्यमिक पास कर आवेदन करते पर। इछाड़ा किन्तु जरा उच्च माध्यमिक ग्रेजुएशन बीए पढ़े ताओ किन्तु एखे आवेदन करते पर। तो ये बयस अपने जदि 40 बचर मध्य बयस है पहला जानुरी अनुजाई अर्थात 18-40 बचर मध्य बयस हम क्योंकि अपना एखे आवेदन करते पर। एछाड़ा जरा एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी आछे तारा किन्तु सरकारी नियम अनुजाई जो बयस छाड़ा पाए 5 बचर और 3 बचर से ही छाड़ा पे जा। तारपर देखुन एखाने ते आपनादेर शिक्षागत योग्यतार जन्य एखाने कि कि डकुमेंट्स और सार्टिफिकेट दिते बोलेछे ना एखाने आपनादेरके क्वालिफिकेशन योग्यता चेयेछे शिक्षागत योग्यता तार संगे एज कास्ट सार्टिफिकेट स्पोर्ट्स पीडब्ल्यूडी सार्टिफिकेट एइगुलो किन्तु आपनादेरके अनलाइने एप्लीकेशन करार समय स्कैन करे आपलोड करते हबे। तारपर देखुन एखाने ते एज रिलैक्सेशनटा आर कि बोलेछे ना एखाने जारा सिरियल ट्राइब अर्थात एस सी एस टी आछे तारा किन्तु 5 बचर छाड़ पे जाबेन। एछाड़ा जारा ओबीसी ए कैटागरि एबं बी कैटागरि आछे तारा किन्तु 3 बचर बयसेर छाड़ पे जाबेन। तारपर देखुन एखाने बोलेछे एप्लीकेशन फी स्लैश प्रसेसिंग चार्ज। तो एखाने जारा जेनारेल प्रार्थी एबं ओबीसी प्रार्थी आछे तादेर जन्ये एप्लीकेशन फी बाबद 150 टाका धार्य करा हयेछे एबं प्रसेसिंग चार्ज बाबद 50 टाका धार्य करा हयेछे। टोटाल आपनादेरके 200 टाका किन्तु पेमेंट करते हबे। एछाड़ा जारा एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी आछे तादेर किन्तु शुधु प्रसेसिंग चार्ज बाबद 50 टाका दिते हबे, तादेर किन्तु एप्लीकेशन फी लागबे ना। तो अपनारा ये ऑफिशियल वेबसाइट देखें www.mscwb.org वेबसाइटे गए किन्तु आपनादेरके आवेदन करते हबे। तारपर देखने दिए मोड अफ एक्सामिनेशन अर्थात एखानेते आपनादेर दुधरणेर बा दुटो भावे एखाने एक्सामटा हबे, एकटा होच्छे कि रिटेन टेस्ट और एकटा होच्छे पार्सोनालिटी टेस्ट। तो रिटेन टेस्ट आपनादेर एखानेते हबे देखुन 200 नम्बरेर, ठीक है, जेटा अपन के केमन होबे ना ओएमआर बेस्ड एखाने रिटेन टेस्ट होबे सेटा होच्छे 200 नम्बरे एबं आपनादेर कोश्चेन थाकबे होच्छे माल्टिपल चॉइस 100 अर्थात एक एक कोश्चेनेर मान थाकबे किन्तु आपनादेर 2 करे। टोटाल आपनारा समय पेये जाबेन एखाने 2 घंटा, ठीक है। तो तारपर देखुन एखाने बोले दिच्छे पार्सोनालिटी टेस्ट जेटा होबे एखाने होच्छे 40 नम्बरेर। ओके,
তারপর দেখুন এখানে বলে দিয়েছে সিলেবাস। তো সিলেবাস আপনাদের এখানে কি কি পড়তে হবে, ওএমআর বেসড না জেনারেল নলেজ অর্থাৎ জিকে পড়তে হবে, যার মধ্যে থেকে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এগুলো কিন্তু থাকবে। তার সঙ্গে ইংলিশ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সায়েন্স, ম্যাথামেটিক্স এবং তার সঙ্গে বলে দিয়েছে রিজনিং, এইগুলো কিন্তু আপনাদের পড়তে হবে। তো কোন স্ট্যান্ডার্ডের এগুলো পড়বেন না, মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ মাধ্যমিক লেভেলের কিন্তু এগুলো পড়তে হবে। এছাড়া কিন্তু আপনাদের যখন সব কিছু হয়ে যাবে তারপর কিন্তু এই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা আছে, এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা কিন্তু ওখানেতে নোটিশ পাবলিশ করবে, সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে কারা কারা রিটেন টেস্টে পাস করেছে এবং তারপরেতে কিন্তু পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তো তারপর দেখুন এখানে বলেছে লাস্ট ডেট, অর্থাৎ এখানে অ্যাপ্লিকেশানের লাস্ট ডেট বলে দিয়েছে 28/1/2023 তারিখ, অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের 28 তারিখ কিন্তু এখানে আপনাদের আবেদন প্রক্রিয়াটা শেষ হচ্ছে, তার মধ্যেই কিন্তু আপনাদেরকে আবেদন করে ফেলতে হবে। তো উপরে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যগুলো কিন্তু অফিসিয়াল নোটিশের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই কিন্তু আপনারা নোটিশটি পড়ে বুঝে তারপরেই আবেদন করবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।